साथियों, दिल्ली की एक बड़ी चुनौती है प्रदूषण। प्रदूषण का हल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों में है। राजधानी में मेट्रो का विस्तार हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, सोलर सेक्टर से जुड़ी नीतियां हो या नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इसका बड़ा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। याद करिए, पहले हजारों ट्रक हर रोज उत्तर प्रदेश या हरियाणा या अन्य राज्यों में आने जाने के लिए दिल्ली की सड़कों से होकर जाते थे। ये जाम का कारण थे, प्रदूषण का कारण थे। पहले की सरकारें बरसों से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पूरा करने पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनने के बाद वो ट्रक बिना दिल्ली में अंदर आए सीधा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। इससे दिल्ली में जाम में भी कमी आई है और प्रदूषण में भी कमी आई है। इसकी तरह पहले आपको इंडिया गेट से गाजीपुर बॉर्डर तक जाने के लिए तकरीबन एक घंटा लगता था, आज सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपको धौलाकुआं से एयरपोर्ट जाते हुए या वापस आते हुए भी घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था, आज वहां भी लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल रही है। हम गंगा जी की तरह ही यमुना जी को भी अविरल और स्वच्छ बनाने का काम शुरू कर चुके हैं।